ये स्टूडेंट वेलकम वंस अगेन टू योर ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों इस वाले वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आपको सॉल्व करना सिखाएंगे, और प्रीवियस वीडियो मैंने आपको 1, 2 और 3 डिटेल में समझा दिया था। तो देखो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है रीड करते हैं। ए टू व्हीलर कवर ए डिस्टेंस ऑफ 55.3 किलोमीटर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, यानी कि एक टू व्हीलर बाइक या फिर जो है ना स्कूटर जो भी है वो क्या करता है, डिस्टेंस कवर करता है कितना, तो 55.3 किलोमीटर 1 लीटर पेट्रोल में, यानी कि उसमें अगर हम लोग 1 लीटर पेट्रोल डालते हैं वो 55.3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है। तो हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, तो वो ये बताइए कि वो 10 लीटर पेट्रोल में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो सिंपल है, 1 लीटर में इतना कवर कर रहा है तो 10 लीटर में कितना करेगा, यानी कि हम लोग 10 से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, और 10 से मल्टीप्लाई करना मैंने आपको यहाँ पर समझा ही दिया है कि आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, केवल जीरो की वजह से डेसिमल को 1 डिजिट आगे खिसकाना रहता है और कुछ नहीं करना रहता। तो यहाँ पर मैंने आपको डिटेल पहले भी से समझा दिया, फिर भी यहाँ पर स्टेटमेंट वगैरह कैसे लिखना है ये मैं आपको वो समझा देता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितना भी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है वो लिख लेना है। तो क्वेश्चन में हमें क्या बताया गया था कि 1 लीटर पेट्रोल में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो डिस्टेंस कवर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल इक्वल टू 55.3 किलोमीटर, यानी कि 1 लीटर के पेट्रोल में 55.3 किलोमीटर वो डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो बस यहाँ पर हम लोग इसलिए ऐसे कर देंगे कि सो डिस्टेंस कवर इन 10 लीटर ऑफ पेट्रोल, यानी कि बस यहाँ पर 1 की जगह में आपको 10 लिख देना है, बाकी पूरा उसी स्टेटमेंट को उतार देना है कि 10 लीटर पेट्रोल में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। ये जानने के लिए हम सिंपली इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो 55.3 मल्टीप्लाई जब 10 से होगा तो आपको पता ही है कि जब 10 यहाँ पर एक जीरो है तो डेसिमल जो है वो राइट साइड में 1 डिजिट आगे चला जाता है और कुछ नहीं होता। इसके मैंने एकदम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस आपको क्वेश्चन नंबर 3 में डिटेल में समझाई दिया है। तो ये बस हमारा क्या बन जाएगा, 553, और इसके बाद डेसिमल लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी डेसिमल जो है पूरा पूरा बाहर निकल गया है, तो यहाँ पर अब डेसिमल भी लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो ये हो जाएगा हमारा 553 किलोमीटर, यानी कि वो 10 लीटर पेट्रोल में 553 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा। देखा आपने कितना सिंपल था, तो बस यही आपको यहाँ पर करना है और कुछ नहीं, बस ये सेम टू सेम हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही था, बस वो हमारे सिंपल क्वेश्चन थे और ये वर्ड प्रॉब्लम बना के दिया हुआ है। ठीक है, अब चलिए जो हमारे क्वेश्चन नंबर 5 है ना, मेन क्वेश्चन, उनको हम सॉल्व करना सीखते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर जो हमारा 1 और 3 था वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि एक डायरेक्ट मेथड होता है, खासकर क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने समझाया था कि डायरेक्ट मेथड भी बना सकते हो आप, और दूसरा जो आपके बुक में मेथड दिया हुआ है फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने वाले, उस वाले मेथड से भी बना सकते हो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जितने क्वेश्चन हैं सभी को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके ही बना देते हैं, क्योंकि आपके बुक में ही मेथड दिया हुआ है, तो हो सकता है ज़्यादातर जो टीचर्स हों वो प्रीफर करें कि आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो पहले, तो हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। बाकी अगर आपको डायरेक्ट मेथड भी सीखना है तो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको सिखाया दिया पहले से ही, तो आप लोग वो वीडियो देख लोगे तो आपको डायरेक्ट मेथड भी समझ में आ जाएगा, वो और ज़्यादा सिंपल होता है। ठीक है, तो देखो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने वाला मेथड क्या है, ये हमारा 2.5 है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 25 लिख देना है, और डिवाइड बाय में ये कितना हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा, क्योंकि डेसिमल के बाद यहाँ पर 1 डिजिट है, तो सिंपली ये 10 हो जाएगा। उसी तरीके से मल्टीप्लाई का साइन लगाओ, और यहाँ पर हमारे पास 0.3 है तो इसको 3 लिख लो, 0.3 भी लिख सकते हो, लेकिन 0.3 लिखने से कोई मतलब है नहीं, 0.3 इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट 3 लिखेंगे, और 3 बाय में ये भी क्या हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा, क्योंकि डेसिमल के बाद केवल 1 डिजिट है। अगर यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट रहते, 3 और 4 रहता या फिर कुछ और भी नंबर रहता, तो यहाँ पर नीचे में हम लोग 100 लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 3 5 जो हमारा 15 का 5 कैरी हो गया 1, 3 2 जो 6 और 1 7, ऊपर आ गया 75, और नीचे में 10 10 जो हो जाएगा हमारा 100। यहाँ पर ध्यान ये रखना है आपको कि कट हो रहा होगा तो भी कट करना नहीं है, क्योंकि हमको लास्ट में तो आंसर डेसिमल में ही लाना है, तो बिना कट के आप डायरेक्ट इसको आंसर डेसिमल में ला सकते हो। तो हम देखो यहाँ पर नीचे में लास्ट में 2 जीरो आ गए हैं, तो हम लोग क्या जानते हैं कि नीचे अगर 2 जीरो है तो राइट साइड से डेसिमल जो है 2 डिजिट के बाद लग जाता है, यानी कि डेसिमल जो है शुरू में ही लग जाएगा और ये 75 हो जाएगा। यहाँ पर देखो 1 और 2 डिजिट बाद डेसिमल लग गया है, और डेसिमल की इधर कुछ भी नहीं है तो उधर एक 0 लिख दिया जाता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 0.75 हो जाएगा। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना था। दूसरा मेथड क्या था कि आप डायरेक्ट 3 का मल्टीप्लाई 25 से करते, तो 3 का देखो इसको दूसरे मेथड से, बस इस क्वेश्चन को मैं बता देता हूँ डायरेक्ट मेथड से, बाकी फिर हम लोग क्या करेंगे ये वाला मेथड ही यूज़ करेंगे फ्रैक्शन वाला। तो दूसरा मेथड क्या है कि 3 का मल्टीप्लाई करो डायरेक्ट आप 25 से, तो 25 3 कितना होता है हमारा 75 होता है ना। अब देखो कि टोटल डेसिमल कितने डिजिट के बाद है, तो 1 डिजिट के बाद यहाँ पर है और यहाँ पर भी 1 डिजिट के बाद, यानी कि टोटल 2 डिजिट के बाद हमारा डेसिमल है, तो हम लोग क्या करेंगे राइट साइड से 2 डिजिट के बाद इधर डेसिमल लगा देंगे, बस यही करना है आपको, और इधर कुछ भी नंबर नहीं है तो ये हो जाएगा 0। तो इसका मतलब कि जब हम डायरेक्ट मेथड में बनाते हैं तो बस एक लाइन में ही सीधा सीधा हमारा आंसर आ जाता है, तो 0.75 आ गया हमारा ना। हमने क्या किया, 25 मल्टीप्लाई 3 किया, उसके बाद देखा कि डेसिमल टोटल कितने डिजिट के बाद है, तो यहाँ पर भी डेसिमल के बाद 1 डिजिट है और यहाँ भी 1 डिजिट है, तो टोटल 2 डिजिट हो गया, इसलिए हमने राइट साइड से 2 डिजिट के बाद यहाँ पर डेसिमल लगा दिया। तो ये हो गया डायरेक्ट मेथड, बाकी आपको इस मेथड से ही बनाना है क्योंकि आपके बुक में यही मेथड दिया हुआ है फ्रैक्शनल मेथड। ठीक है, तो अब चलो अगला जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, उसे जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं।
ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, जहाँ पर हमें 0.1 का मल्टीप्लाई करना है 51.7 से। तो ये भी हमारा क्या बन जाएगा, 0.1 है तो ये 1 बन जाएगा, और 1 डिवाइड बाई ये भी हमारा 10 हो जाएगा, क्योंकि डेसिमल के बाद 1 डिजिट है केवल। इधर मल्टीप्लाई करो, ये हमारा 517 पूरा पूरा लिख लो, और डिवाइड में यहाँ पर भी डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो ये भी हमारा 10 हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, 517 का जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 517 ही आएगा, और नीचे में हमारे पास 10 10 100 हो जाएगा। अब देखो नीचे 2 0 हो गए, तो राइट साइड से 2 डिजिट के बाद यहाँ पर डेसिमल लगा दो। तो 517 पहले लिख लो एक बार, 1 और 2, और उसके बाद यहाँ पर ये डेसिमल लग गया, तो नीचे 2 0 रहेगा, तो राइट साइड से 2 डिजिट पर आपको केवल डेसिमल लगाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 है हमारा, कितना दिया हुआ यहाँ पर, 0.2 मल्टीप्लाई में 316.8, ये क्वेश्चन है। तो ये भी हमारा 2 हो जाएगा, क्योंकि 0.2 लिखने से कोई मतलब है नहीं, तो राइट हम 2 बाई में इसको भी 10 लिखेंगे, मल्टीप्लाई में ये हो जाएगा 316 और 8, और यहाँ पर भी डिवाइड बाई में हमारा 10 हो जाएगा, क्योंकि डेसिमल के बाद केवल 1 नंबर है यहाँ पर। ठीक है, अब जल्दी से इसका मल्टीप्लाई करो, तो डिनोमिनेटर में तो हमारा 100 ही आएगा, 10 मल्टीप्लाई 10। न्यूमिनेटर में देख लेते हैं, 2 8 16 का 6 कैरी हो गया 1, 2 6 12 और 1 13 का 3 कैरी हो गया 1, 2 1 2 और 1 हो गया 3, और 2 3 हो जाएगा हमारा 6। तो ये हमारा इतना आ गया आंसर। अब यहाँ पर नीचे 2 0 है, तो बस इसको आप उतार लो एक बार, 6 3 3 6, और राइट साइड से 2 नंबर के बाद यानी कि 2 डिजिट के बाद यहाँ पर डेसिमल लगा दो। ये हो गया हमारा इसका भी आंसर। ये जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, उसे बनाते हैं। तो 4 नंबर में हमें क्या दिया हुआ है, 131.3 मल्टीप्लाई में 3.1, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए इस इसको भी सॉल्व किया जाए। ये हमारा हो जाएगा 13/10 मल्टीप्लाई में 31/10। तो ये हमारा डिनोमिनेटर में तो 100 ही आएगा, न्यूमिनेटर में चेक कर लेते हैं कितना आने वाला है। तो न्यूमिनेटर में आप डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, 13 हो जाएगा, लेकिन फिर भाई आप कैरी करने में फिर कंफ्यूज हो जाओगे। तो चलो इसको मैं साइड में ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कहाँ पे मल्टीप्लाई करें, इस साइड में कर लेते हैं। ठीक है, तो 13 मल्टीप्लाई 31, क्योंकि डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूँगा ना, तो फिर आप कैरी लूँगा जब ना, तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे कि सर यहाँ पर कैरी तो हम लोग सीखे ही नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग नॉर्मल मेथड से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 3 3, 1 1 1, 3 हो जाएगा 3 3 9, और 3 1 3, तो ये बन गया हमारा 3, 9 और 1 10 का 0, कैरी हो गया 1, और 3 और 1 हो गया ये हमारा 4, यानी कि 403 आ गया। तो यहाँ पर बस आप 403 लिख लो। अब यहाँ पर नीचे 10 आ गया, सॉरी 20 होगा, क्योंकि 10 मल्टीप्लाई 10 हुआ था तो 100 होगा, तो 20 आ गया। तो बस ये हम लोग को 403 उतारना है, और राइट साइड से 2 डिजिट के बाद यहाँ पर डेसिमल लगा देना है, तो 4.03 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना था। 5th नंबर देखते हैं क्या दिया हुआ है हमें, 0.5 मल्टीप्लाई करना है इसका 0.05 से। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यहाँ पर ये भी। ये हमारा 0.5 तो बन जाएगा 5/10। ठीक है, मल्टीप्लाई में जो हमारा इधर है ये भी हमारा 5 ही बनेगा, क्योंकि इसको हम अभी 00 अगर 5 लिखते हैं तो भी कोई मतलब है नहीं, तो डायरेक्ट हम लोग इसको 5 लिखेंगे, क्योंकि 005 का मतलब ही 5 ही होता है। तो ये हो जाएगा 5/100। क्यों 100 हुआ, क्योंकि डेसिमल के बाद टोटल 1 और 2 डिजिट था, इसलिए हमारा नीचे में 100 लिखाएगा। तो ये हमारा कितना बन जाएगा यहाँ से, 5 5 25 हो जाएगा, और नीचे में 1000 आ जाएगा, 10 का मल्टीप्लाई 100 से होगा, तो यहाँ पर 20 और ये 10 मिलकर के 30 बन जाएंगे। अब देखो कि यहाँ पर हमारे पास जब आंसर लिखने के लिए अब हमको क्या चाहिए, 3 डिजिट चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तो हमारे पास केवल 25 ही है, और डेसिमल कितने डिजिट के बाद लगेगा, 1 2 और 3 0 है, तो 3 डिजिट के बाद लगेगा, जबकि हमारे पास केवल 2 ही डिजिट है। तब हम क्या करते हैं कि लेफ्ट साइड में एक 0 लिखते हैं, और उसके बाद डेसिमल लगा देते हैं, तो टोटल 1 2 और 3 डिजिट हो गया, उसके बाद डेसिमल भी लग गया। अब डेसिमल की इधर कुछ नहीं है, तो उधर भी एक 0 लिखा जा सकता है, तो ये हो जाएगा 0.025 इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए क्या दिया हुआ यहाँ पर, तो वो है 11.2 मल्टीप्लाई में 0.15। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 112 डिवाइड बाई में 10 मल्टीप्लाई में, ये हो जाएगा हमारा 15 डिवाइड बाई में 100। 100 क्यों हुआ, क्योंकि डेसिमल के बाद यहाँ पर टोटल 1 और ये 2 डिजिट थे, इसलिए डिवाइड में आपको 100 लिखना है। ठीक है, डेसिमल के राइट साइड को ही देखना, ये ध्यान रखना, लेफ्ट साइड को मत देखना। तो ये हो जाएगा हमारा, नीचे में तो 1000 आ जाएगा, ऊपर में देख लेते हैं कितना आने वाला है। तो ऊपर के लिए हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 112 का मल्टीप्लाई कर लो 15 से, तो 52 जो हो गया हमारा 10 का 0, कैरी हो गया 1, 5 1 5 और 1 6, फिर 5 1 5, 1 2 2 1, और ये हो गया 1, तो ये हो गया 0, ये हो गया हमारा 8, ये हो गया 6, और ये हो गया 1, यानी कि 1 6 8 और 0 आ गया इसका आंसर। तो बस सिंपली हम क्या करेंगे, 3 डिजिट के बाद यहाँ पर डेसिमल लगा देंगे, 1 2 और 3, तो ये हो जाएगा हमारा 1 6 8 0, और यहाँ पर 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगा लो। तो यहाँ पर अब लास्ट में देखो, डेसिमल के जब इधर ना 0 रहता है लास्ट में ना, तो उसको आप लिख भी सकते हो, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा जाता है। तो अगर आपके बुक में ये आंसर दिया हो तो आप ये लिख लेना, और अगर इस टाइप से दिया होगा 1.68, तो ये भी लिख सकते हो, क्योंकि इधर जो 0 रहता है उसको आप लिख भी सकते हो और नहीं भी लिख सकते हो, लेकिन इधर अगर लेफ्ट में 0 है तो उसको लिखना जरूरी है, उसके बिना फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा। समझाएगी बात ना, तो अगर ये आंसर दिया होगा तो ये लिख लो, ये आंसर दिया होगा तो ये लिख लेना। ठीक है, जो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, उसे सॉल्व करते हैं।
तो ये हमारा सेवन्थ नंबर का क्वेश्चन है, आइए जल्दी से सॉल्व किया जाए। ये हमारा 107 हो जाएगा, ठीक है ना, पूरा आपको बस उतार देना है। और उसके बाद नीचे में हमारे पास कितना आ जाएगा, तो डेसिमल के बाद वन और टू डिजिट है, तो टोटल हमारा 100 आ जाएगा इस तरीके से। इधर भी हमारे पास ये 002 हो जाएगा, जिसको हम लोग डायरेक्ट टू लिखेंगे डिवाइड बाई में, ये भी हमारा कितना हो जाएगा, डेसिमल के बाद टू डिजिट है, तो यहाँ पर भी हमारा डिवाइड में 100 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा टू, नीचे तो हमारा 40 हो जाएगा, यहाँ का 20, ये 20 मिल करके टोटल 40 लिख लो आप डायरेक्ट। उसके बाद ऊपर में 27 14 का 4 कैरी हो गया 1, तो 1 का 1 उतर जाएगा और 2 1 2 आ गया, यानी कि 214 आ गया। अब देखो हम लोग डेसिमल कहाँ पर लगाएंगे, तो ये 1 2 और 3 0 की वजह से तो डेसिमल हमारा यहाँ पर आ गया, ठीक है। लेकिन उसके बाद एक फोर्थ नंबर का भी 0 बचा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक फोर्थ नंबर का यहाँ पर 0 लिखेंगे लेफ्ट में, और फिर यहाँ पर इस तरीके से डेसिमल लगाएंगे। अगर आप यहीं पर डायरेक्ट डेसिमल लगा दोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि नीचे टोटल 40 हैं, तो आपको 4 डिजिट के बाद ही डेसिमल लगाना है। तो फोर्थ नंबर का डिजिट कुछ नहीं है, तो वहाँ पर एक 0 बढ़ा दो और फिर डेसिमल लगा दो, और ये हो जाएगा हमारा 0.0214 इसका आंसर। चलो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, उसे सॉल्व किया जाए। तो 8th नंबर में क्या दिया हुआ है हमारा, 10.05 मल्टीप्लाई करना है 1.05 से, ये हमारे 8th नंबर का क्वेश्चन है। तो इसको भी हम लोग पहले तो होल नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो हो जाएगा यानी कि 1005 डिवाइड बाई में, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो 00, इधर हमारे पास 105 हो जाएगा ये, और डिवाइड बाई में हमारा हो जाएगा 00, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो 00, ठीक है। तो यहाँ पर अब तो हम लोग इसको नीचे में तो हमारा 40 आ ही जाएगा, ऊपर में हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हम लोग जल्दी इसलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं लेफ्ट साइड में, कहीं पर भी राइट साइड में। तो हमारे पास 1005 है, मल्टीप्लाई करना है 105 से, 5 5 जो 25 का 5 कैरी हो गया हमारे पास 2, तो 2 का 2 उतर जाएगा, ये 0 उतर गया, 5 1 5 हो गया। अब 0 है तो 1 2 3 और ये 40 लगा दो, फिर 1 5 5 हो गया, 10 0 100 और 1 1 1 आ गया, तो हो जाएगा 5 2, ये हो गया फिर से 5, ये हो गया 5, ये 0 और ये 1, तो टोटल कितना गया हमारा 105 525। तो इसको आप यहाँ पर लिख लो 105 और 525 टोटल। आप इसको अगर रीड करना चाहो, कैसे रीड करना है, तो ये 1 10 100 1000 10000 और लाख है, यानी कि 1,05,525 इसका आंसर आया है। अब हम क्या करेंगे, टोटल देख लेते हैं कितने डेसिमल लगेंगे। तो 12 पहले तो इस नंबर को उतार लो आप, 105525। अब यहाँ पर हमारे पास 40 नीचे, तो 1 2 3 और 4, और यहाँ पर फिर आप क्या करो, डायरेक्ट इसका डेसिमल लगा दो, तो ये इसका आंसर हो गया। बस यहाँ पर हम लोग को टाइम क्यों लगा, क्योंकि हमको मल्टीप्लाई करना पड़ा, और ये सब डायरेक्ट हमारा मल्टीप्लाई हो जा रहा था। जल्दी से अब दो क्वेश्चन हमारे बच गए हैं, उनको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें कितना दिया हुआ है, 101.01, और इसका मल्टीप्लाई करना है 0.01 से। कन्वर्ट कर लेते हैं पहले, तो 101 और 01 ये पूरा उतर जाएगा डिवाइड बाई में, डेसिमल के बाद 2 नंबर है हमारे पास, तो नीचे में हमारा 100 हो जाएगा। मल्टीप्लाई की साइन लगाओ, यहाँ पर हमारा ये 001 हो जाएगा, जिसको हम डायरेक्ट 1 लिखेंगे, डिवाइड बाई में हमारा ये भी 100 हो जाएगा, क्योंकि डेसिमल के बाद टोटल 2 डिजिट है। तो अब इसका मल्टीप्लाई होगा, तो हमारा इसका 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो इतना ही आएगा आंसर, यानी कि किसी भी नंबर का जब 1 से मल्टीप्लाई होता है तो वही नंबर आंसर आ जाता है। तो हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इस नंबर को उतार दो। नीचे में हमारा टोटल 2020 मिल करके 40 आ गया, तो ये हमारा जो आंसर होगा क्लियरली कितना आ जाएगा, पहले तो 10101 लिख लो, ये वाला ऊपर वाला, देखो नीचे 40 है, तो 1 2 3 और 4, और यहाँ पर फिर आप डेसिमल लगा दो, तो 1.0101 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। चलो जो अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10, उसे भी हम इसी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हमें कितना दिया हुआ है, 100.01, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है इसका 1.1 से, तो ये हमारा कितना बन जाएगा, 100.01 हो जाएगा, डिवाइड बाई में ये हमारा 100 आ गया, क्योंकि डेसिमल की साइड हमारे पास 2 नंबर थे। उस तरीके से इधर हमारे पास ये 11 बाई में 10 आ जाएगा, क्योंकि डेसिमल के बाद केवल 1 ही डिजिट है, तो नीचे में हम लोग 10 लिखेंगे, ठीक है। तो नीचे तो हमारा 10 और 100 मिल करके 1000 हो जाएंगे, ऊपर में हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं जल्दी से, तो ये हो जाएगा हमारा 10001 मल्टीप्लाई में 11, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 1 1 जब 1, ये हो गया 0 0 0 और फिर 1 1 जब 1, फिर से हो जाएगा 1 1 जब 1 और ये 0 0 0 3 टाइम और 1 1 जब 1, तो ये बन गया हमारा 1 1, ये 0 0, ये 1 और ये 1 आ गया, तो ये हमारा हो जाएगा 11 0 0 1। अब देखो राइट साइड से हमारे पास 30 लगेंगे, यानी कि 3 डिजिट हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 1 1 0 0, एक बार उतार लो पूरा, और ये 1 2 3 है, तो 1 2 3 काउंट करो और यहाँ पर डेसिमल लगा दो, तो इसका ये आंसर हो जाएगा, यानी कि 110.01, ये हो गया फाइनल आंसर। तो इस तरीके से आपको डेसिमल्स वाले नंबर का मल्टीप्लाई करना है पूरे एकदम डिटेल में, एकदम डिटेल वाला मल्टीप्लाई हुआ, बाकी शॉर्ट मेथड मैंने आपको फर्स्ट वाले क्वेश्चन में बता ही दिया था, और एक क्वेश्चन में इसमें भी बता ही दिया है, तो शॉर्ट मेथड भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन कई बार उसमें बच्चे लोग गलती कर देते हैं, इसलिए मैंने आपको ये डिटेल मेथड समझा दिया, ठीक है। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर जो हमारा डिवीजन है डेसिमल का वो कैसे करना है ये हम लोग सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।